बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को रविवार को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें ये पुरस्कार दिया। अमिताभ के अवार्ड लेते ही सारा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अमिताभ ने सम्मान पाने के बाद समर्थन के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दादा साहेब फाल्के मिलने पर कहा कि जब मुझे ये सम्मान मिला तो मुझे लगा कि क्या मेरा करियर खत्म हो चुका है, मगर अमिताभ ने बड़े भाव से ये भी कहा कि अभी उन्हें लगता है कि शायद कुछ काम और फिल्म इंडस्ट्री में करना बाकी है।